वेलकम बैक टू FSA एंटरटेनमेंट। मैं पडगा में हूँ एंड द फर्स्ट फार्म दैट यू गेट वाइल एंटरिंग पडगा इज़ अल अहमद गोट फार्म। इनकी वीडियो पहले भी आ चुकी है FSA पे, बट आई एम शूटिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। अफान भाई के साथ है। अस्सलाम वालेकुम अफान भाई। वालेकुम अस्सलाम। अफान भाई सीरीज़ बनाएंगे अब। हाँ फादर, एंड इंशाल्लाह रेगुलर रहेंगे, क्योंकि खसी बकरों में आई थिंक लोग अगर बड़े खसी बकरे पसंद करते हैं तो दिस इज़ द फर्स्ट फार्म दैट पीपल कम टू। अल्हम्दुलिल्लाह, एक गिने चुने फार्म है। एक बड़े बकरों की बात कर रहा हूँ, एक शवाया है और एक अल अहमद है। अल्हम्दुलिल्लाह। एंड मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा भाई, हमारे घर पे तो खसी की कुर्बानी होती है, एंड द फर्स्ट फार्म दैट वी विजिट इज लास्ट ईयर भी हम ही आए, लास्ट ईयर भी और इससे पहले भी, और इससे पहले भी और बिकी जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका जब वहाँ पे भी था नेरल में, वहाँ पे तभी भी हम लोग आए थे, मेरा भाई आया था। आपने 47-46 साइड का बकरा दिया था आपको। माशाल्लाह बहुत अच्छे बकरे रहते हैं। जो भी बड़े बड़े बकरे का कुर्बानी करता है, आई थिंक दे शुड कम टू अल अहमद गोट फार्म। पडगा में जैसे आप एंटर करते हो फार्मिंग लेन, दिस इज द फर्स्ट फार्म। एक बहुत एडवांटेज है कि फुटफॉल बहुत अच्छा मिलता है। फुटफॉल अल्हम्दुलिल्लाह फाद भाई, पहले पब्लिक यहीं आती फिर आगे जाती है। एंड ये बहुत अच्छा किया आपने, इतना आई कैची बैनर लगा दिया कि पीपल डोंट हैव टू सर्च फॉर योर फार्म। नहीं फाद भाई, एकदम ईजी है। CNG पम्प के थोड़ा ही आगे एडिलेड से पहले अपना फार्म, और मतलब पब्लिक पहले यहीं से आके जाती है, और बड़े बकरे अपने यहाँ रहते हैं, देख के पब्लिक फिर आगे से मतलब घूम के वापस आते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर आप बकरे देखोगे तो आगे समझ, बाद कोई फार्म पे जाओगे आपको नहीं समझ, नहीं समझ में आते बकरे, तो पब्लिक घूम के आते। आगे ज्यादा लोग जो है वो सोजत वगैरह बेचते हैं, और यहाँ पे आपको ऊंची हाइट के बड़ी फ्रेम वाले गुजरी अजमेरा ऐसे बकरे। असल में कैसा फायदा, बड़े बकरों का ही शौक है तो बड़े बकरे ही समझ में आते अपने को भी। ठीक है, अल अहमद गोट फार्म, अफान भाई आई मीन आर यू पार्टनर, आर यू द ओनर, आर यू द मैनेजमेंट? Yes. क्या है, what exactly फाद भाई, मेरा एक पार्टनर है खालिद करके, मैं लास्ट टाइम मैं जिनसे मिला था, हाँ जिनसे मिले थे आप, वो और मैं पार्टनर। ओके ओके, क्या है आपका वर्किंग मॉड्यूल क्या है? क्योंकि कोई कोई लोग को लगता था कि वे लास्ट मोमेंट पे बकरे लाते हैं गांव से और वो बेचते हैं, बट आई हैव सीन कि भाई ये फार्म जो है 2 साल से अभी खड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह। सो क्या है, क्या कर क्या रहे? दिस इज योर रोल। ऐसा है, बड़े बकरे भी आते हैं, छोटे बकरे भी आते हैं अपने यहाँ। छोटे बकरे भी तैयार होते हैं, 50 किलो 40 किलो के भी बकरे आते हैं, और बड़े बकरे भी आते हैं। जैसे अपने क्या कस्टमर अपने बड़े बकरे ही मांगते तो वैसा बड़े बकरे भी लाते हम लोग। तो ये खुद की जगह है कि नहीं? ये रेंट है, रेंट पे है। कितने बकरे अकोमोडेट कर सकता है आपका फार्म? फाद भाई ये जगह पे ना 1300-1400 बकरे आ जाते, पर मैं 1000-1200 रखता ही, 1000 के ऊपर नहीं रखता। फिलहाल खड़े कितने आपके पास? अभी 400 के करीब कुछ है, 400 प्लस ही है। और बेचने वाले कितने हैं इसमें? बेचने वाले फाद भाई 100 है, 100 थे नहीं 20 बिक गए, 80 बकरे है 100 बेचने के। बड़े हैं? हाँ बड़े हैं, 100 के आसपास रहेगा, 100 प्लस भी है फाद भाई। और ऊंची हाइट के है? हाँ ऊंची हाइट, तो फाद भाई वही बकरे अच्छे लगते हैं, ऊंची हाइट वाले। सॉरी क्या बोला आपने, 130 किलो के बकरे हैं? 130 किलो के भी बकरे। चलिए मजा आएगा इंशाल्लाह। और पलाई भी कर रहे हो मैं सुना आप? हाँ पलाई भी कर रहा हूँ फाद भाई, पहले नहीं करता था, बाहर के बकरे लेता नहीं था, पर अभी ये साल से ले रहा हूँ बाहर के बकरे। बाहर के बकरे? हाँ बाहर के। कितने बकरे आए बाहर से पलाई पर? अभी पलाई पे फाद भाई 300 प्लस है बकरे, 300 बकरे पलाई पे। हाँ। तो टोटल बकरे आपने फार्म पे बताया 400-410 बकरे, 300 बकरे वही आपने जो गांव से लाके बेचे थे? हाँ बाहर से भी आए हैं और जो मैं लाके बेचा था वो भी है, मतलब ज्यादातर वही है। तो ये हेल्प करता है ना ये मॉडल जो है, खुद लाके बेचो और उसको कन्वर्ट करो। हाँ बात भाई कैसा है ना, पलाई पे बकरे रखते हैं, लोगों को रिजल्ट चाहिए, बकरे बढ़ना चाहिए, तो वैसे बकरे मैं ढूंढ के लेके आता हूँ, तो क्या आसानी रहती है, फिर कस्टमर भी खुश रहता है, सेटिस्फाई रहता है। तो क्या अपने पास किलो वाइज मिलेगा कि सारे नक? नहीं नक पे फात भाई, अभी किलो वाइज वाले बकरे इंशाल्लाह दिसंबर तक के आएंगे इंशाल्लाह। ओके, और ऊंची हाइट के बकरे हैं जो लोगों को पसंद है? ऊंची हाइट के ही बकरे हैं। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया, और पलाई का रिजल्ट भी बता देंगे हम। हाँ पलाई का रिजल्ट आपके मोबाइल पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना? हाँ दिखा दूंगा आपको, क्योंकि कैसा है फात भाई डॉक्यूमेंट कैसा है ना, अपने कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वीडियो का मांगने का सिस्टम ही नहीं किसी का, कि वीडियो भेजो हर महीने। बाकी और भी मैं आपका वीडियो देखता हूँ, उसमें कैसा रहता है कि भाई हर महीने वीडियो भेजते हो और भी फार्म वाले। क्या है ना, खसी का क्राउड अलग है, अंडुल का अलग है। खसी जो अंडू भी अपने पास 50-55 खसी वाले मैंने ऐसे सुना, ज्यादा किरकिरे नहीं रहते। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह एकदम सेट रहते, और अंडुल वाले जो है वो हाँ हो सकता है, यंग क्राउड बहुत ज्यादा है। हाँ हो सकता है, अभी अंडू भी रख रहा हूँ फाद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अंडू में भी माशाल्लाह बाहर से तो अंडू ही आएंगे पलाई पे ज्यादा। हाँ अंडू तो लिमिटेड है, अंडू भी है और अंडू रख रहा हूँ फाद भाई, पहले नहीं रखता था, ये साल से रख रहा हूँ, क्योंकि क्या रिजल्ट
पहले मैं ये साल मतलब पिछले साल देखा रिजल्ट, तो रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो लोगों के बकरे रख रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ना। क्या पलाई चार्ज तो बता दीजिए, आप क्या चार्ज कर रहे हो? 3,500 रुपये चार्ज है। अंडुल का कि खस्सी का? दोनों का फात भाई, अंडुल हो या खस्सी हो। अंडुल हो या खस्सी भाई, लुक एट दिस क्वालिटी, ये क्वालिटी के बकरे आपको देखने मिलेंगे। चलिए हम थोड़ा आगे जाके बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा। तो ये लास्ट टाइम जब हम आए थे, दिस वाज लाइक शेड राइट, एक कोई और फार्म ओन करता था यहाँ पे 2 साल पहले। हाँ, 2 साल। अब नाउ यू हैव टेकन, ये दिस इज रेंटेड प्लेस और ओन्ड प्लेस? ये रेंटेड है। रेंटेड प्लेस है, ओके। तो अच्छा, ये बाहर प्ले एरिया में है, नाइट टाइम में अंदर चले जाते हैं? प्ले एरिया में, ये अंदर फाद भाई रात में ना अंदर चले जाते हैं, और गर्मी जब धूप रहती है ना दोपहर में, तो फिर बकरे अंदर चले। अच्छा फन, आई हैव टू गेट इट वेरी क्लियर फॉर यू, इफ यू कैन कम हियर नाउ। क्या होता है, आपके सामने एक बड़ा सा है ना नाला जैसा है, एंड वहाँ पे हम देखते जनरली बहुत बकरे हैं ना मरे हुए पड़े रहते हैं। नाउ लोगों का ऐसा कहना है कि भाई अल अहमद के बड़े बड़े बकरे वहाँ पे आप फेंक देते हैं। देखो कैसा है ना, मैं आपको, क्योंकि आपका फार्म सबसे पहले आता है, तो लोगों का दिमाग में रहेगा कि भाई अल अहमद जो है बकरे मरते तो जाके गटर में फेंक देता है ना। आप क्लैरिफाई करोगे? नहीं, ये अपना नहीं है। कैसा है, पूरे गाँव के बकरे आते हैं, पूरे गाँव के बकरे लोग फेंकते, नाम सिर्फ मेरा आता है ना, समझे? हाँ। और अभी ये टाइम पे कैसा है, अभी आपको नहीं मिलेगा वो चीज़, क्योंकि सबसे अच्छा ये हो गया कि वहाँ जो लैंड ओनर था ना, वो आया था मेरे पास भी और कंप्लेन करा था, बोला भाई मेरे बकरे नहीं है और भी जगह के, तो बोले भाई मैं सब जगह जाता हूँ। उसने बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है, अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने से कोई बकरे नहीं है, नहीं, और उसकी वजह से स्मेल भी बहुत आती थी। चार चार आपके फार्म पे स्मेल आएगी, उसकी स्मेल भी बहुत आती थी फादर, मैं खुद परेशान था, पर वो ओनर ने खुद आके मेरे को भी धमकी दी। ऐसा नहीं कि मेरे को नहीं, मेरे को भी बोला, क्योंकि देखो शक तो आप ही पे जाता होगा, सब बड़े बकरे आप ही बेचते हो, सब यही बोलते हैं, इतने बड़े बड़े बकरे मरे हुए, ये क्या अपने सामने ही था, ये सामने ही था, इसकी वजह से अपना नाम क्लैरिफाइड। अपन कुछ बोलते नहीं थे, ठीक है, लेट गो करते थे। अच्छा, मोर्टैलिटी का आपने पूछ लिया, मेरे को लगा नहीं था आप पूछोगे, पर पूछ लिए तो मैं आपको बता। इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट इट क्लैरिफाइड, क्योंकि लोगों की शक की सुई फिर आप ही पे जाती है, लेकिन कोई फार्म इतना ऑब्वियस क्यों करेगा कि भाई अपने सामने ही फेंकेगा? नहीं नहीं नहीं, है ना, कोई इतना स्टूपिड तो होता नहीं, नहीं, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, टॉकिंग अबाउट मोर्टैलिटी, व्हाट इज योर मोर्टैलिटी परसेंटेज? अच्छा मोर्टैलिटी देखो 5-10% के बीच में आती है मोर्टैलिटी, पर ये टाइम पे मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ मोर्टैलिटी। कितने मरतबा आप आते हो फार्म पे? आप आते हैं कितने मरतबा आप आते हो? कई लोगों का कहना है कि भाई हम जब वीक डेज में आते तो अफान भाई मिलते नहीं है। नहीं फात भाई, अभी तो आ रहा हूँ मैं, अभी समझो ना 10 दिन या 12 दिन है कंटिन्यू मैं फार्म पे, कल सिर्फ एक दिन नहीं आया था और आज आया हूँ, मतलब 10 दिन से मैं कंटिन्यू फार्म पे। ओके, अदरवाइज यू आर एट द फार्म, क्या स्टाफ? और नहीं भी आता हूँ ना फात भाई, तो अपने 10 मतलब स्टाफ, अपने 9 से 10 स्टाफ एनी टाइम रहते हैं, और कैमरा है, CCTV हर चीज एकदम नजर में रहता है, कोई वो नहीं है। ओके, अफान में बकरे माशाल्लाह अच्छे हैं, कुर्बानी के लायक जो हम लेते हैं अभी तो ये बेचने वाले, इसमें कुछ बकरे बिके हैं, तो इसमें हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेट्स नॉट स्पेंड मच टाइम हियर, बिकॉज़ एक सेपरेट वीडियो बनेगी। क्या वजन के बकरे हैं वैसे ये लॉट में? इसमें ना फात भाई 130 किलो के भी होंगे, 110 किलो के भी होंगे, 90 किलो के भी होंगे, 80 के भी होंगे, 70 के भी होंगे, सब मिक्स है इसमें। 3,500 रुपये आप जो पलाई का चार्ज ले रहे हो, इज देयर एनी एडिशनल चार्ज लाइक वैक्सीनेशन चार्ज, या कोई बकरा शदीद बीमार पड़ जाता है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं फायदा, 3,500 रुपये में सब इंक्लूड है, उसमें चाहे बकरा कितना भी बीमार हो। अभी लास्ट टाइम पे ही एक बकरा बीमार, 2 बकरे बीमार हुए थे, उसमें बहुत पैसा गया था, पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीछे नहीं हटा था। कितना चला जाता है वो 2 बकरों में? मेरे ख्याल से मैं दवाई लाया था तो समझो 25,000 रुपये की तो मेडिसिन आई थी फादर। क्या बात कर रहे हो? हाँ फादर, कैसे, क्या हो गया था उसको? बहुत मतलब ज़्यादा तकलीफ में आ गया था बकरा, और बहुत अच्छी क्वालिटी का बकरा था, और मैंने बाहर से डॉक्टर भी बुलाया था, तो उसने भी अच्छी खासी फीस लिया था। व्हाट इज द फीड लाइक सुबह में? हरी पत्ती, व्हाट डू यू फीड? सुबह में फात भाई ये फलगट चलती है, और फिर उसके बाद हरी पत्ती रहती है। I'm sorry, क्या क्या चलती है? सुबह में फलगट, गवार भूसा आता है ना, right. वो देता नहीं हूँ फात भाई, पर क्या नाम है, अपना मजबूरी है, देना पड़ता है, क्योंकि उससे ना बकरा पानी बहुत अच्छा खींचता है। okay. तो ठंडी में कैसा है, पानी बकरे कम पीते हैं, वो पीने वो क्या थोड़ा खारा टाइप रहता है, वो देने के बाद ना बकरे पानी अच्छा पीते हैं। फीड की वीडियो बना लेंगे सेपरेटली, आप सारे भगोने में
बना लेंगे। असल में कैसा है ना फाद भाई, अभी ना कुछ फीड मेरी आई नहीं है, 2 फीड नहीं आई है। असल में क्या, बारिश मैं चालू नहीं कर पाया क्योंकि बारिश ना थोड़ा लेट हो गई फाद भाई, तो इसकी वजह से नहीं, क्योंकि अपनी हैवी फीड रहती है, फिर बकरा एसिडोसिस में आने का चांस ज़्यादा रहता है। व्हाट इज एसिडोसिस, लोगों को बताऊंगा। हाँ, पेट की बीमारी असल में फाद भाई, बारिश में ना फीड हैवी चलती है ना, तो बकरे पेट की तक बीमारी में आ जाते हैं। यस, हाँ, एसिडोसिस रहता है वो, मतलब बकरे जाम हो जाते हैं क्योंकि क्या, जुगाली नहीं करते ना, उसकी वजह से जाम हो जाते हैं बकरे, तो इसकी वजह से चालू नहीं कर पाया अभी, फिर भी है मतलब दो। हाँ जी, हमारी शूट जो है पिछले 1 महीने होने वाली थी, यू सेड देयर वाज सम कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन। हाँ, तो क्या आपने ये फात भाई, भरनी का काम चालू था मिट्टी का, हर साल मतलब चेंज करता हूँ मिट्टी में, क्योंकि क्या है नीचे की मिट्टी साफ हो जाती है ना तो अच्छा रहता है, और ये जो मिट्टी आई है ना फात भाई, बहुत अच्छी मिट्टी, आप देखो ना, आप खुद देखो बकरे कितने रिलैक्स हैं, आप देखो माशाल्लाह। एक बार जब बहुत स्टॉर्म आया था यहाँ पे, एक सीवियर सा स्टॉर्म आया था, देयर वाज आई थिंक वो पेड़ ही गिरा था मेरे ख्याल से। हाँ, वो बड़ा पेड़, बहुत बड़ा पेड़ था फात भाई, बहुत बड़ा, बहुत डैमेज हुआ था ना आपके फार्म को। हाँ, बहुत डैमेज हुआ था फात भाई, 600 पत्रे उड़ गए थे अपने, 600 पत्रे उड़ गए थे, और फिर पूरा ये बड़ा झाड़ गिर गया था, बाकी तो ना कुछ नहीं, सिर्फ छपरे उड़ गए थे और इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ भी नहीं हुआ था। ओके, केजेस कितने हैं बने हुए? केजेस अभी फात भाई 50 है शायद, 50 केज। और खाली कितने हैं अगर किसी को पलाई पे? खाली नहीं है, कुछ भी नहीं खाली है, पर अभी इसमें ना बकरे खस्सी होने वाले, तो मेरे ख्याल से 8-10 बकरे खस्सी होने वाले हैं। बकरे अच्छे हैं आपके अंडुल, वहाँ पे भी मैंने देखा कुछ एक बकरे। हाँ, बहुत अच्छे लगे अंडुल, इंशाल्लाह फात भाई अंडुल माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं आपके पास। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि अंडुल बकरा एक भी होगा। हाँ, होगा तो वही खसी जैसा होगा, बट अच्छे बकरे, मजा आएगा अंडू में भी आपको इंशाल्लाह। ये देखा मैंने आते बराबर, या तो लोगों के बकरे आएंगे क्योंकि रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह अब अपन तैयार है अंडू में भी। अभी ये बोर मैं आपको बता रहा हूँ, ये बोर मेरे पास 26-27 केजी पे आया था। अच्छा, ये वही लास्ट जुलाई की बात कर रहे थे? हाँ, लास्ट जो मैं आपको बोला ना, ये वही बोर है। और अभी आई थिंक 85 किलो के आसपास है, 85-90 केजी होगा। एंड व्हेन वी चेक्ड आउट दी एवरेज जो हमने देखा, तो आई थिंक 3.25 का एवरेज 15.5 महीने दिया है कंसिस्टेंटली। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, व्हिच इज प्रीटी गुड, एक्सीलेंट एक्चुअली, और वो भी बारिश की वजह से फात भाई, नहीं तो और अच्छा जाता था। अफान भाई, हाउ मेनी इंटरनेशनल क्लाइंट्स यू हैव? ये सब लोकली है कुल्ला वाले? नहीं है ना, सब है फात भाई, बाहर के भी है, और क्या नाम है अपना, बेंगलोर, कोलकाता, और फिर अपने बकरे अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अपने बकरे राजस्थान भी जाते हैं फात भाई, लोग राजस्थान से बकरा लेते हैं। अच्छा, मैंने एक डेमोग्राफी पोल रन किया था मेरे चैनल पर कि भाई खसी बकरे कौन पालता है, अंडुल बकरे कौन पालता है, तो किसी ने लिखा था खसी तो खाली चिचा लोग पालते हैं। यू टेल मी हाउ इज द डेमोग्राफी लाइक, यानी ज्यादा खसी के क्लाइंट्स आपके, आई मीन देयर आर लाइक मैच्योर्ड ओल्ड पीपल? नहीं फात भाई, ऐसा नहीं है, सब लड़के हैं फात भाई। हां, सब लड़के हैं, सबसे ऐसी दोस्ती हो गई कि बैठे रहते हैं, ऑल यंग पीपल, सब यंग है फात भाई। तो ये मिथ है लोगों के दिमाग में? हां, मिथ है फात भाई, मेरे पास तो कोई मतलब समझो ना ऐसा कोई, सब छोटे छोटे मतलब लड़के हैं, कोई 25 साल का, कोई 35 साल का, खसी के शौक करने वाले। हाँ, सब खसी के। क्या क्या डिफरेंस लगा आपको, इफ़ यू हैव टू डिफरेंशिएट सेग्रीगेट अंडुल क्राउड वर्सेस खस्सी क्राउड, हाउ डू यू डिफरेंशिएट? मतलब खस्सी के जो क्राउड है ना वो, मतलब देखो अंडू पे भी जो मेरे पास है ना, एकदम ऑनेस्टली बोलो आप, नहीं अंडू में भी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कोई मसला, क्राउड दोनों अच्छा है, व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू फाइंड? नहीं बात भाई, ऐसा तो कुछ मेरे को अभी ऐसा लगा नहीं, डिप्लोमेटिक कर रहे हो। हाँ, और क्या नाम है अपना, जैसे अंडू लोग का कैसा है शौक रहता है उन लोग को, फिर लोग थोड़े थोड़े टाइम में आना, फिर बकरे बाहर निकालना, भाई बाग मेरा बकरा बाहर निकालो, खेलना कूदना सब लगा रहता, बाकी खस्सी में इतना होता नहीं, खस्सी में एकदम लेट बैक है। हाँ, आओ छोड़ दो, आओ छोड़ दो, ईद के टाइम पे वजन करो। हाँ, ईद के टाइम पे बीच में एक आध बार आ जाते हैं। मैं वजन करता ही नहीं फात भाई, कस्टमर खुद आके वजन करता। अच्छा, ये बताइए कस्टमर अगर आपके पास पलाई के बकरे रखेगा, उनको वजन की वीडियो आप प्रोएक्टिवली दोगे क्या, दे विल हैव टू आस्क फॉर इट एवरी मंथ? फात भाई जैसा, मैं तो देखो ऐसा बेचता नहीं, क्योंकि अपने कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, मतलब समझो ना 1 से 2 लोग हैं, उन लोग से भी बात होती है ना, तो उन लोग भी बोलते अच्छा ठीक है रहने तो मत भेजो। तो कोई एक क्लाइंट के बहुत सारे बकरे हैं, ये जो 300-400 बकरे हैं, जैसे बहुत से फार्म पे ऐसा होगा कि लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट है, कोई एक 40 बकरे पाल रहा है, कोई 50 बकरे पाल रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, यू हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ क्लाइंट्स? नहीं नहीं, 10 बकरे बहुत, मतलब 10 से 15 बकरे, उससे ज़्यादा बकरे नहीं, 15 बकरे भी ज़्यादा बोल रहा, 10 ही बकरे आपका पड़े। ओके ओके, अभी ये बकरा देखो फात भाई माशाल्लाह, बकरे माशाल्लाह सब, जितने भी देख रहा हूँ कोई ऐसा बकरा नहीं है जिसका पेट वेट अंदर घुसा हुआ है, दे लुक, तो अभी सुबह में है, बट दे लुक
आई थिंक प्रीटी फाइन और केज में अच्छे दिख रहे, तो बाहर डेफिनेटली ज्यादा अच्छा दिख रहा है। लुक एट दिस वन, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बच्चा मेरे पास 50 किलो पे आया था, ये वाला अभी इसको एक साल भी नहीं पूरा हुआ, ये जैन में आया था। अभी चार दांत पे ही होगा मेरे ख्याल से, 100 के आसपास होना चाहिए, 100 क्रॉस होना चाहिए। नहीं नहीं 100 क्रॉस नहीं है फादर, 100 के आसपास है, 100 के आसपास होना चाहिए। माशाल्लाह, इसका है यार, डू यू रिमेंबर द नेम? अभी 400 बकरे है इमरान भाई का, अल्हम्दुलिल्लाह। फादर के रहने वाले इमरान भाई, बैंड्रा के, बट आपको याद रहता है किसका बकरा? अगर मैं पूछ लूं भाई ये किसका बकरा, याद रहेगा ना? क्या मैं बुलाना पड़ेगा? मैं कैमरे में देख के बकरा निकाल लेता हूं फादर। बहुत बढ़िया, चलो। एक जन, एक अपने कस्टमर थे, उनके 20 बकरे थे पलाई पे, सोजत बच्चे थे, सब वाइट 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 के, मतलब 60-65 किलो के बकरे आए थे अपने पास। मैं मतलब वो मैं आया नहीं था, शादी थी, मतलब एक दोस्त की बहन की शादी थी, तो उस दिन मैं नहीं आया था। मैं उनको बोला था, तो आए, बोले बकरा, मतलब मेरे को चेक कर रहे थे। मैंने कैमरे में उनके 19 बकरे निकाला था फादर, कैमरे में देख के। वो भी सोजत बकरे, वो भी 220 बकरों के लॉट में, मतलब 70-70 बकरे, 210 बकरों में सेग्रीगेट थे, 3 बाड़ा। मैंने कैमरे में, आई थिंक ये तभी पॉसिबल होता अफान भाई, इफ यू स्पेंड दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम विद द गोट्स। अगर आप उतने मर्तबा नहीं रहोगे फार्म पे, देन आई एम श्योर यू विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट, स्पेशली वो ब्रॉयलर मुर्गी जैसे तो रहता है, सब व्हाइट व्हाइट व्हाइट, उसमें से ढूंढ के निकालना है बहुत मुश्किल है। आप लास्ट टाइम शायद आए थे, आप शायद नोटिस नहीं करे फादर, मेरे पास 1000 बकरे थे, एक बकरों पे भी टैग नहीं था, आपने शायद नोटिस नहीं करे। आई रिमेम्बर। और मतलब ऐसा भी नहीं कि कुछ मैं फोटो खींच के उसको क्या बोलते कंप्यूटर में करता हूँ, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा हुआ नहीं। ये सारे पलाई के बकरे, ये सब माशाल्लाह अच्छे बकरे। Which is the heaviest goat आपके farm पे गया last time? फादर 157 गया था। 157? आपने डाला नहीं था वीडियो? नहीं डाले थे फादर भाई, वीडियो नहीं डालते थे अभी। वो इसमें वीडियो डालनी चाहिए। और ऐसा नहीं, एक थे फादर भाई, बहुत बकरे थे। एक तो हम पसंद ही किए थे, आपने बोला बिक गए ना? हाँ बिक गए। एक आई थिंक फैसल सारंग का था ना? हाँ बिक गया। फैसल भाई का था वो? कौन सा बकरा? एक तो कोई था हमारे को पसंद आया था, आपने बोले ये उनका बकरा है। हाँ फैसल भाई सारंग ना, दो साल पहले की बात है। वो बकरा 150 बहुत अच्छा बकरा, 5 kg का था। अभी देखो ना, अभी पत्ती खाएंगे, अभी पत्ती चल रही है ना, पत्ती खा के बाद फुल रिलैक्स रहेंगे बकरे। और क्या है, जमीन भी कच्ची है तो बहुत मस्त सेट रहते हैं बकरे। और क्या डाला है आपने यहाँ पे? वो मिट्टी लाके, मिट्टी है बाद में। ये सारे पलाई पे, ये सारे पलाई पे, इसमें से कोई सेल का नहीं है? कोई सेल तो जो क्लाइंट पालता है वो उनको भी नहीं बेचना? नहीं उनको भी नहीं। ओके, दुम्बे उम्बे मेंढू की क्या पलाई चार्ज है? वही 3.5 फ्लैट है आप। हाँ, कोई छोटा बकरा ला के दे दे तो क्या 3.5 देगा वो बंदा? छोटा बकरा फात भाई देखेंगे थोड़ा। ये है बर्बरी का थोड़ी, आप 3.5 लेते हो, इसका भी 3.5 ले रहे हो? नहीं ले तो रहा हूँ 3.5, पर ठीक है देख लेंगे कुछ, क्योंकि कैसा है ना बात भाई, बरबरी हो चाहे कुछ भी हो, क्वांटिटी एक अनाज की अपनी है ना, वैसी ही जाती है, और बकरा जब खाएगा तभी बनेगा। सो कोई आपके पास अभी तो खैर वेट गेन का सीजन है, कोई आपके पास अभी बकरे रखता है, हाउ मच गेन दे कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स में? कोई 50 किलो का बकरा आपको लेके देता है, खसी बकरा, हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट? बकरा साथ देना चाहिए फात भाई मेरे पास, मैं अपना बता रहा हूँ, जैसा बकरा है ना, 50 किलो का बकरा भी 100 किलो हुआ, 110 किलो भी हुआ है, 50 किलो का बकरा 80 भी हुआ है, और 50 किलो का बकरा 70 पे भी रहा है। बकरा साथ देना चाहिए बस, बकरा बीच में बीमार हो जाता है तो 2-3 महीना पीछे हो जाता है। राइट, ऐसा है वो, फिर बकरा अगर नहीं बीमार हुआ, उसको इंजेक्शन नहीं लगा। मेरा माय क्वेश्चन इज मंथली कितना गेन पीपल कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू? मतलब 3 किलो 4 किलो तो नॉर्मल है, अल्हम्दुलिल्लाह आ ही जाता है। पीपल विल से भाई दिस इज लाइक नॉर्मल ओनली। हां तो व्हाई शुड दे पे 3,500 रुपए? वो तो सब लोग देते हैं। अफान भाई ऐसा क्या स्पेशल कर रहे हैं कि वे हमें यहां पे पलाई पे देना चाहिए? आप एक देखो, 3-3.5 इज लाइक एवरीबॉडी, मैं तो जाता ही हूं फार्म पे और उतना तो आता ही है। यू टेल मी, गिव मी 2 कन्विंसिंग रीजंस व्हाई पीपल शुड कीप देयर गोट्स ऑन पलाई एट अल अहमद गोट फार्म। फाद भाई फीड के मामले में तो अल्हम्दुलिल्लाह अपन कोई कॉम्प्रोमाइज करते नहीं है। पहली बात आपको एक बताता हूँ, फीड अच्छी से अच्छी खिलाते हो, फुल हैवी खिलाते, चाहे बकरा छोटा रहे चाहे बकरा बड़ा रहे। तो आपने फिर भी 3-3.5 किलो का बोला है। मतलब मैंने एक नॉर्मली वेट बताया, मैंने आपको क्या बोला, 50 किलो का बकरा 100 किलो भी हो जाता है, अगर आप उसका एवरेज मारोगे तो 50 किलो 12 महीना, 12 महीना, 12 महीना, हाँ 12 महीना, अब एवरेज कितना आ जाएगा उसको? 4-4.5 का एवरेज, 4.5 किलो का, 4-4.5 का एवरेज आएगा, 5 किलो भी आता, ऐसा नहीं है। तो क्या है, एक आपने ये बोले फीड अच्छी देते, और व्हाट आर द रीजंस टू कीप देयर गोट्स एट
फील्ड बात भाई देखो, सबसे पहले तो बकरों के लिए मतलब एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा बनाया हमने। देखो अभी ये झाड़ मतलब ये जो मैंने लगाया हूँ ये सब इंशाल्लाह जब बड़े हो जाएंगे तो ये बहुत फ़ायदा करेंगे समझे। तो अभी आप बकरे भी बहुत सुकून से रहते हैं और एकदम मतलब घचपच पे नहीं रखता हूँ मैं बकरे, कम बकरे ही रखता हूँ एक बाड़े में मतलब। कितने हैं अभी ये बकरे? 60 बकरे। 60 बकरे हाँ, इसमें मतलब आराम से अगर रखना, आप स्पेस देखो कितनी है, अगर रखना चाहे तो इसमें 80-90 बकरे आराम से रख सकते हैं। तो बकरे भी एकदम रिलैक्स रहते हैं, मतलब अपने कस्टमर जितने भी ना फात भाई यही चीज़ से बहुत खुश है कि उनका बकरा बहुत सुकून से, और बकरा सुकून से फात भाई अच्छी फीड मिल रही तो वेट गेन होना ही होना। बट आई लाइक द काइंड ऑफ गोट्स यू हैव, खासी बकरे, आई थिंक ये हमारे टाइप के बकरे हैं। अभी तो स्टार्ट हुआ फात भाई, अभी आए हो आप। हां, सो वी हैव 6 मंथ्स टू गो। फॉर इंस्टेंस अभी जैसे वो सामने एक बकरा है, अभी आई थिंक नहीं नहीं बोल के कितना होगा, 75-80 किलो के होना चाहिए सामने। नहीं 75 नहीं होगा, और कम होगा 70-75 किलो होगा। हाँ, ये सब बकरे फायदा है, इसको वी कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 110। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब बकरे 100, 110, 115 किलो। तो कुछ हम डालें वेट गेन चैलेंज पे? हाँ ले लो, कोई मसला नहीं, देखे कितना देते हो आप। ठीक है, कुछ एक बकरे हैं, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ये सब अपन बाहर निकाल के बताएंगे। आई एम नॉट शोइंग, इसमें बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। ये 43 हाइट का, नहीं नहीं बता रहा हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में पब्लिक देखेगी। नहीं, ये 43 हाइट है, ये काला वाला। हाँ, काला वो बाद में अपन सेपरेट। ये बहुत बड़े बड़े बकरे यार यहाँ पे अफान भाई। हाँ, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं, दिस इज लाइक वेरी। चलिए बता ही देता हूँ क्वालिटी ऑफ गोट्स ऐसे। और वहाँ पे दो बहुत बड़े बड़े अंडूल है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। फाद भाई मेरे पास लास्ट ईयर 135-135 kg के अंडू। आई हैव सीन दैट ब्लैक गोट पहले। नहीं, ये अपने फार्म पे कब से? ये 7 महीना हो। 7 महीना? हाँ, बाद में एक्सोटिक भी मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह, एक ऐसा अंगूरा दिखाऊंगा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप देखोगे, मतलब देखे नहीं होंगे ये साइज का अंगूरा। कोई केज खाली नहीं है? नहीं, केज फूल है फाद भाई, और केज बनाने का है इंशाल्लाह, अगर अच्छे अच्छे क्वालिटी के बकरे आएंगे तो और केज बनाएंगे। अफान 11 कुल्ला राइट? हाँ कुल्ला। एंड वो नेरल में क्या क्या सोच के आपने फार्म खोल दिया था इतना दूर जंगल में? सर मैं फाद भाई खुद की जगह थी और मेरा ब्रीडिंग सेटअप का काम करने का इरादा था, तो उसके हिसाब से मैंने वहाँ पे खोला था। माशाल्लाह बकरे, माशाल्लाह आपके अंडूल बहुत अच्छे अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे अंडूल हैं। आई एम हैप्पी, अंडू अच्छे लगे, मतलब ये तो स्टार्ट है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छे कस्टमर के आएंगे, तो कस्टमर के, नहीं तो मैं इंशाल्लाह खुद ये साल लेने की सोचा हूँ अंडू बकरे, क्योंकि अंडू बकरे मैंने आज तक खरीदा नहीं हूँ, 2-3 खरीदाऊंगा 2-3 साल में भाई। बकरे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे खसी बकरे, स्पेशली पलाई पे अगर आप कंफ्यूज हो कहाँ पर देना है, कम हियर, मजा आएगा आपको। एंड अच्छी खासी जगह है, दिस इज आवर खसी फार्म शुड बी, मेनली आपका खसी पे फोकस है ना, खसी फार्म ही लग रहा है प्रॉपरली, लेकिन अंडूल भी बहुत अच्छे अच्छे अंडू इंशाल्लाह। तो अगर अंडूल पलाई पे आते रहेंगे तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, क्या करोगे? केज बनाएंगे, कूटा बनाएंगे। कहां पे? फाद भाई आगे है ना पूरी, एक साइड आपने देखे ही नहीं। अच्छा वो बाजू, हां एक साइड आपने देखे ही नहीं, बहुत जगह है फाद भाई, अभी एक एक पूरा दो बाड़ा इसमें भी। कौन सा साइड हमने नहीं देखे? हम तो वो आगे एक मतलब सामने जो शेड था ना, बकरे बाहर ऑलरेडी निकले हुए थे, जो बाहर निकले थे दो, था उसके सामने भी एक शेड और बकरे है, पीछे भी एक शेड है बकरे वहां पे। चलिए चलो, अंडूल है खसी है वहाँ पे, अंडू भी है खसी भी है। तफान में माशाल्लाह बड़ा फार्म है अल्हम्दुलिल्लाह फाद भाई, पर आपकी रेट बहुत भयंकर रहती है। हाँ, बकराईद के टाइम पे क्या रेट बड़ी भयंकर रहती है आपकी? कैसा है बकरा रहता है, आप तो लाखों में बात करते हो फाद भाई, क्वालिटी रहती है और नेगोशिएट ही नहीं करते हो जल्दी। अच्छा 44-45 हाइट का बकरा, आज सिर्फ 44-45 हेड हटा दो, आज 100-110 किलो का बकरा है ना। आई नो, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड अफान भाई, बट क्या होता है द सेम गोट, हम यहाँ पे आके आपसे पूछे आप कम नहीं करते हो, बट लास्ट मोमेंट पे लोग जो है बहुत सस्ते में आपसे लेके जाते हैं, देन यू गो इन टू पैनिक मोड कि भाई बिकेगा क्या नहीं बिकेगा, और आप बहुत सस्ते में देते हो। जैसे वो मम्मू को दिया था आपने 2 साल पहले वो ब्राउन वाला बकरा, मम्मू अभी आप ही से लिया था रिमेम्बर, बड़ी हाइट का, तो वो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी रेट में दिया था। बट वही हम जब आके पूछे थे तब तो आपकी रेट बिल्कुल अलग थी। वो बकरे में क्या हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, वो दूसरे बकरे पूछे थे भाई ने। अच्छा। जल भाई ने ना दूसरा बकरा पूछे थे। अच्छा। वो बकरे का मेरे को ऑलरेडी अच्छा पैसा लगा था, मेरा सौदा चला था, मैं उनको बताया भी था, पर उन मतलब सेम वैसी एक बकरा था, तो उनको लगा कि मैं ये बकरे की मांग रहा हूँ, और बाकी आप जैसे वो बकरा मैंने तो डिस्काउंट करके दिया था आपको जी, कि मतलब जैसे अभी क्या अपना वीडियो शूट होना है, तो मतलब मैं सोचा था कि
पहले से सोचा था कि बकरा दूंगा, अच्छा जो सबसे बड़ा बकरा वो इंशाल्लाह मैं दूंगा। तो ये बार भी हम लोग के लिए रख ला, ये बार भी इंशाल्लाह आपके लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा बकरा, एटलीस्ट 45 हाइट का, 45-46 हाइट का हमारे लिए और मम्मू के लिए। हाँ, और आपके लिए भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे बकरे, मैं इंशाल्लाह आपको ये टाइम पे देने वाला हूँ बकरे। ये तो बकरी सेक्शन है फादर, बकरियाँ पालते हो? हाँ, बकरियाँ। व्हाट इज द पलाई रेट? 2500 रुपये। क्या है, बच्चे तो मुझे दिख नहीं रहे सब प्रेग्नेंट है फात भाई। नहीं तो इतने महीने में कुछ डिलीवरी वगैरह? हाँ, जैसे ये है, फिर अभी वहाँ पे भी बच्चे हैं और बाकी बच्चे जो बड़े हुए वो पीछे चले गए। ओके। और अभी सब बकरियाँ प्रेग्नेंट है, मतलब एक से दो बकरी छोड़ के बस अभी समझ में महीना दो महीने में सब देने वाली। बारिश की वजह, मतलब वैसा रूटीन बनाए थे कि बारिश में बकरियाँ बच्चा ना देवे। ओके, तो ये अपनी है कि क्लाइंट की है? क्लाइंट की भी, अपनी भी है। ये बरबरों का सेक्शन है, दुम्बे भी है, दुम्बे भी है, छोटे छोटे दुम्बे आए थे अभी तो इसमें डाला हूं। पलाई पे है सारे दुम्बे? हाँ, सब पलाई पे, सब पलाई पे। ये अभी मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है ना, तो बकरे सुबह सुबह थोड़ा सा एक लौता सानिन दिखाया मुझे। एक्सोटिक में दो है सानिन, एक्सोटिक देखो ना, अंगूरा देखो आप लेफ्ट में। वेयर इज इट? वो सानिन भी फात भाई अभी चार दांत किया है, दो दांत के थे। हाँ, ये देखो माशाल्लाह, अफान भाई फॉर सेल है कि ये? हाँ, फॉर सेल है फात भाई, मतलब दे देंगे इंशाल्लाह, पर अपने इधर ही रखने का, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने एक अंगूरा तैयार किया था फात भाई 75-80 केजी की समथिंग। ये अभी कितने किलो पे? ये होगा फात भाई 60 केजी समथिंग। ये इंशाल्लाह उससे अच्छा जाएगा। मैं हैप्पी है भाई, आपने मेंटेन रखे और साफ सुथरे बकरे, गंदगी नहीं है। हाँ बात भाई, गंदगी नहीं रहती है। दैट शोज पर्सनल हाइजीन। ये आज ही नहलाए क्या इसको? आज या कल? नहीं, ये बकरे को कल नहलाया। कल नहलाया ना, बहुत। फिर भी उससे पहले भी क्लीन था फात भाई, वो तो मैं इसी नहला दिया। बाकी बकरे देखो मिट्टी में भी, आप और भी देखो ना बकरे अपने क्लीन। क्या बड़ा बकरा है? हाँ, ये बकरा बड़ा है फादर, बहुत डेंजर बकरा है फादर। अंडू है? नहीं, खस्सी है, मतलब खस्सी हुआ है, बहुत डेंजर है, बहुत मारता है बकरों को। तो इसको अभी केज में डालूंगा, ये खस्सी केज में पलेगा माशाल्लाह। पलाई पे? नहीं, अपना खुद का है, फॉर सेल। हाँ, फॉर सेल है, और इंशाल्लाह बहुत आगे जाने वाला बकरा है। क्या हाइट है अफान भाई इसकी? 43 होगी फात भाई। मस्त है, नर फेस का बकरा है ये बकरा, देखना ना फात भाई इंशाल्लाह। आप अभी तो, अभी क्या नाम है अपना, क्या होगा अभी, 110 किलो होगा? हाँ, 110-115 के आसपास होना चाहिए। 110 के जी तो है ना, ये मजा आएगी। 130 तक क्या अगर गया तो ऊपर जाना चाहिए, और ऊपर जाएगा। क्या बात कर, बड़े बकरे ना, बड़े बकरे 140 किलो जाएगा फात भाई। बड़े, मैं वही आपको बोल रहा हूँ ना, आपने मेरे को क्या बोले, आप बड़े बकरे भी लाते हो, तो बड़े बकरे मैं लाता हूँ, 125 किलो के बकरे भी लाता हूँ, 130 किलो के बकरे भी लाता हूँ, पर उनका भी वेट गेन होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 125 किलो वाला बकरा भी अपने इधर 140-150 किलो जाता है। ओके, ऐसा है क्योंकि अपने कस्टमर ही बात में बड़ा बकरा मांगते हो, क्या बोलते हैं, हमको रिस्क नहीं चाहिए, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, हमको बड़ा ही बकरा मांगते हैं। अफान भाई, अल अहमद का इंस्टाग्राम पेज क्या है? क्या बोल रहे हो? व्हाट इज योर इंस्टाग्राम पेज? अल अहमद ही, अल अहमद नाम है, अल अहमद गोट फार्म। अल अहमद। ओके, बहुत सारे अल अहमद नाम के। अल अहमद नहीं, आपने कुछ लिखा नहीं है ना कुछ? नहीं, असल में फात भाई मैं इतना इंस्टाग्राम और फेसबुक पे इतना अपडेट नहीं करता। ओके ओके, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बिक जाते हैं बकरे ऐसी, और फिर इतना। चलिए कोई नहीं, हम कर लेंगे इंशाल्लाह ये बार। हाँ, क्योंकि बकरे मेरे टाइप के बकरे तो मज़ा भी आएगा मुझे शूट करने। ठीक है, यही सुनना था। हाँ, मेरे टाइप के बकरे तो दिल से शूट करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए, अभी तो स्टार्ट है फात भाई, अभी तो बहुत बकरे आने वाले इंशाल्लाह। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली फार्म टूर। अब बकरे बताएंगे हम, एंड आप बकरे देखिए अंदर, आपको समझ के नहीं आ रहे होंगे, बाहर निकाल के शौक कराएंगे। बकरे भेजिए पलाई पर, और कुछ सेल के बकरे बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड यू जस्ट फिगर आउट इफ दे आर वर्थ परचेजिंग। आई एम श्योर दे आर। 3,500 रुपये पलाई है। ठीक है, द फर्स्ट फार्म इन पड़गा, आई मीन नॉट हिस्टोरिकली, बट जैसे एंटर करते हैं, जैसे एंटर करते हो, गूगल मैप पे लिस्टेड है, राइट? हाँ, परफेक्ट। चलिए, थैंक यू सो मच। व्हाट इज योर फोन नंबर? 7977524300। सेम ऑन व्हाट्सएप? हाँ, सेम। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।